کعبہ دنیا دے خلیل آزرس کعبے کی تو بنیاد اس کافر نے رکھی تھی پتھروں کے اعتبار سے کعبہ بنیاد ہے کیونکہ وہ حضرت خلیل کا باپ تو نہیں تھا تایا کعبہ بنیاد ہے خلیل کی بنیاد ہے ابراہیم کعبہ بنیاد ہے خلیل آزرس مگر دل گزر گا ہے جلیل اکبر کرتا جس جاؤ نظر آتے ہو نظر آتے
सजदे मुर्गी कर रहा हूँ, सजदे से हमें मतलब, सजदे से हमें मतलब, काबा हो या पुतखाना, काबा को छुपा बैठे, वो अपनों को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना दीवाना करके, करके मुझे दीवाना दीवाना करके, जो आँख मिलाई थी, जो आँख लगाई थी, जो आँख मिलाई थी, करके मुझे दीवाना दीवाना, जी चाहता है भेजूं, जी चाहता है भेजूं, तोहफे में उन्हें आके दर्शन का तो दर्शन, दर्शन का तो दर्शन, नजराने का नजराना, नजराने का नजराना, नजराने का नजराना, जी चाहता है दे दूं, जी चाहता है दे दूं, तोहफे में उन्हें आके दर्शन का तो दर्शन, दर्शन का तो दर्शन, और नजराने का नजराना, जो तुम हो वो ही मैं हूँ, जो तुम हो वो ही मैं हूँ, तफरीक है तो इतनी, जो तुम हो वो ही मैं हूँ, तफरीक है बस इतनी, तुम हुस्न के मालिक हो, तुम हुस्न के मालिक हो, ओ मैं हुस्न का दीवाना दीवाना, दीवाना मैं हुस्न, जो तुम हो वो ही मैं हूँ, तफरीक है बस इतनी, जो तुम हो वो ही मैं हूँ, तफरीक है बस इतनी, जब बात अल्फाजों में फंस जाती है, जब बंदा अल्फाजों में फंस जाता है तो पता नहीं क्या क्या बकने लगता है। अरे जो वो है कोई हम हो सकते हैं, जो वो हैं हम हो सकते हैं, हद हो गई फरेब तसव्वुर की ऐ ज़हीन, हद हो गई फरेब तसव्वुर की ऐ ज़हीन, मैं खुद को पेश करता हूँ उनकी मिसाल में, बेखुद किए दे ओ, पीने को तो पीऊंगा पर सच जरा सी है, ओ पीने को तो पीऊंगा
पर अर्ज जरा सी है अजमेर का साथी हो, अजमेर का साथी हो वो बगदाद का मैं खाना मैं खाना अजमेर का साथी हो अजमेर का साथी हो बगदाद का मैं खाना मैं खाना बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के बेदम मेरी किस्मत में सजदे इसी दर के छोटा है ना छोटे का छोटा से गलत बात निकल गई थी उसके लिए मैं माफी का ख्वाब थी एक बार माशाल्लाह माशाल्लाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज का 615वां सालाना उर्स अपनी ताबोताब से आपकी समातों को मुअत्तर कर रहे थे फरीद अयाज अल हुसैनी और अबू मोहम्मद और अब इस बज़्म की आखिरी चौकी मशहूर ज़माना कव्वाल जिनको आज भी लोग याद करते हैं जनाब बहाउद्दीन के साहबजादगान अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे और अब नजम सैफ जो कि मशहूर ज़माना कव्वाल बहाउद्दीन के साहबजादे हैं वो आपकी समातों को अपने मुनफरद अंदाज में मुअत्तर करेंगे और ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गुलाह अकीदत पेश करेंगे नजम सैफ और उनके हमनवा तमाम सामईन से अपनी नशिस्त पे रहने की दरख्वास्त है ये इस बज़्म की आखिरी चौकी है इसके बाद सिलसिला चिश्तिया का मशहूर कलाम रंग पढ़ा जाएगा और रंग के बाद दुआ होगी दुआ के बाद इसी पिंडाल में लंगर का इत्माम है तो आप सब अपनी जगह पे तशरीफ रखिए इंशाल्लाह ताला बस ये आखिरी चौकी अपनी मुनफरिद अंदाज में आपकी समातों को मुअत्तर करेगी नजम सैफ